देखो हाँ, इस चीज से हम फैंस बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि हाँ टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवीज काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है। तुम गणपत पार्ट वन को ही देख लो, ये काफी ज्यादा यूनिक मूवी होने वाली है। मतलब ये इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी होने वाली है। हाँ, डिस्टोपियन का ज्ञान किसी और वीडियो में हम झाड़ लेंगे। लाइक इस वीडियो के अंदर हम टोटल बकचोदी करने वाले हैं, मतलब जो टॉपिक्स पे अभी तक मैंने बात नहीं करी उस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल गणपत और लियो का क्लैश, टाइगर श्रॉफ इन सिंघम 3। हाँ, ये चीज काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि मैं तुम्हें इस चीज का प्रूफ भी दे सकूं। देखो इस चीज पे हम पहली बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो इस चीज के बारे में हमें काफी टाइम से पता है कि हमें टाइगर श्रॉफ एज अ कॉप देखने को मिलेंगे कॉप यूनिवर्स के अंदर। हाँ, वही रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स जिसके अंदर सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों हैं। और थोड़े टाइम में हमारे भाईजान भी होड़ दबंग बोलते हुए आई जाएंगे। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान मेरा, ये हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। हाँ बालक, हम जानते हैं कि हम कभी कभी अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, हमारी उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो कि हमने किसी और के लिए ली है। लाइक तुम समझोगे नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे सच बोलूं तो अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी बोल रहा हूँ सुन लो। देखो जब से मैं टाइगर श्रॉफ का फैन बना हूँ, तब से मैंने टाइगर श्रॉफ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी माना है। लाइक मैंने इस पर्सन को किसी भी और पर्सन के लिए कभी भी टालने की कोशिश नहीं करी, लाइक मैंने अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैंने इस पर्सन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। लिटरली मैंने इस पर्सन को अवॉइड किया जो कि मेरे को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यारा है, वो भी किसी और पर्सन के लिए जो कि अपनी प्रायोरिटी किसी और को मानता है। एक्चुअली मैं मानती है। हाँ भाई, अब तुम बिल्कुल समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो जो ऑडियंस इस बात को अच्छे से समझ चुकी है, वो चीज को जानती होगी कि हाँ किसी से अटैच होना काफी ज्यादा यूनिक रहता है। तो देखो अब सब छोड़ छाड़ के मैं अपने सलीम की गली यहाँ पे आया हूँ, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तुम्हारा भाई अच्छे से वीडियो बनाएगा एकदम चिल मूड से। हाँ, मुझे ये बकचोदी करनी थी, वीडियो का वॉच टाइम चाहिए था, इसलिए इतनी सारी बकचोदी कर दी है। तो बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी या नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन बैक टू द वीडियो जरूर आ जाते हैं। लाइक अब गणपत और लियो के बारे में बात करते हैं। देखो गणपत मूवी काफी ज्यादा यूनिक रहने वाली है, इसके प्रमोशन जोरों थोड़ों से चल रहे हैं, तुम्हें पता ही होगा। मतलब टाइगर श्रॉफ की इस मूवी की हाइप काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। मूवी के ट्रेलर के ऊपर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन हाँ मूवी का ट्रेलर काफी ज्यादा यूनिक है। ये एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है, मतलब इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा यूनिक चीजें हमें देखने को मिलेगी, फ्यूचर वर्ल्ड देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ थाले पत्ते विजय सर की हमें मूवी देखने को मिलेगी लियो, जो कि इसी सेम डेट हमें 20 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। अभी अभी मैंने लियो मूवी का भी ट्रेलर देखा है, टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा, लेकिन मुझे टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी का ट्रेलर ज्यादा पसंद आया। अब हाँ, मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया पे ऑफलाइन था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि गणपत मूवी के प्रमोशन काफी जोरों तोरों से चल रहे हैं, लेकिन लियो मूवी के प्रमोशन अभी तक नहीं चले हैं। लाइक प्रमोशन तो देखने को मिले, लेकिन गणपत मूवी की हाइक ज्यादा देखने को मिली मुझे। हाँ ऑब्वियसली ऐसा है कि गणपत मूवी के प्रमोशन हाइक पे है, और लियो मूवी का मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, लाइक प्रमोशन फैक्टर्स में वो बिल्कुल पीछे है अभी। और अगर प्रमोशन अच्छे भी चल रहे होंगे तो लाइक मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, मैंने जितना सर्च किया उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम सिंघम 3 के बारे में। हाँ, इस बार सिंघम 3 के अंदर टाइगर श्रॉफ हमें देखने को मिलेंगे, और उनका एक अच्छा बढ़िया वाला फाइट सीन भी है, जिसकी शूटिंग अभी होने वाली है, जिसकी अभी प्रैक्टिस भी चल रही थी, मतलब फाइट सीन्स की प्रिपरेशन चल रही है। अब देखो टाइगर सर के पगले फ्रेंड ने ये गलती से रिवील कर दिया है इंस्टाग्राम लाइव के चलते। अभी रिसेंटली टाइगर सर इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे गणपत मूवी के प्रमोशन से रिलेटेड, तभी उसी टाइम पे गलती से मैंने भी इंटरनेट ऑन कर दिया था, और उस इंस्टाग्राम लाइव के अंदर मुझे ये देखने को मिला इस चीज से काफी हद तक कुछ रिवील होता है। हाँ वीडियो देख लो, उसके बाद में तुम्हें आइडिया लगी जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। देखो सिंघम फाइट से तुम काफी हद तक समझ सकते हो कि यहाँ पे किस बात पर रिएक्शन आया था, किस बात पर रिएक्ट हुआ था, सब कुछ तुम समझ गए होगे। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिंघम 3 के अंदर टाइगर सर का एक कैमियो होगा फॉर श्योर। और सिंघम 3 के अंदर हमें टाइगर सर का एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, वो एज ए हीरो देखने को मिले या विलन मुझे नहीं पता, ये चीज तुम डिसाइड कर लो कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि ये बकचोदी वाली वीडियो तुम्हें कैसी लगी है। मुझे जितनी बकचोदी करनी थी मैंने आज कर दी है, थोड़ी बातें मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखी है। अगर तुम्हें इन बातों में इंटरेस्ट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसा करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बकचोदी करते हुए, तब तक के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं भी आया तो मोबाइल की स्क्रीन तुम फोड़ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं टाइम से वीडियो नहीं बनाता हूँ।